Hi, we welcome you in Online Munim Accounting Software. In this video, we will learn how we can add a new गिरवी or loan account. इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम नया गिरवी और लोन अकाउंट किस प्रकार ऐड कर सकते हैं. After login, you can see Online Munim Home Panel. इस पैनल की सहायता से आप कस्टमर सर्च कर सकते हैं और गिरवी ऐड कर सकते हैं. अगर आप कस्टमर का फर्स्ट नेम एंटर करते हैं तो उस फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे कस्टमर की लिस्ट आपको नीचे डिस्प्ले हो जाती है. अगर आप उसके होम पे क्लिक करते हैं तो आप उसके होम पैनल पे जाते हैं, और अगर नाम पे क्लिक करते हैं तो उसके गिरवी ऐड ऑप्शन पर जाते हैं. अगर मैं एक नया कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसका यहाँ पर नाम एंटर कर सकता हूँ. सपोज़ मैंने एंटर किया मोनिका कुमारी, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार. इसके बाद मैंने कस्टमर का सिटी या ब्लेज एंटर किया. अगर वहां पर सिटी और ब्लेज मौजूद नहीं है तो मैं नया सिटी भी एंटर कर सकता हूं. वह सिटी ऑटोमेटिकली सिटी लिस्ट में ऐड हो जाता है, और जैसे ही हम ऐड न्यू गिरवी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वह कस्टमर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और हम उसके ऐड न्यू गिरवी पैनल पर आ जाते हैं. यहाँ हम प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करते हैं. उसके बाद हम इंटरेस्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली या एनुअली. सीरियल नंबर हर फर्म के अकॉर्डिंगली ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है. नाउ वी कैन सिलेक्ट गिरवी स्टार्ट डेट. आप कोई भी पुरानी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप फर्म चेंज करना चाहते हैं तो वह भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. आप फर्म चेंज कर सकते हैं. जैसे ही आप फर्म चेंज करते हैं आप देख रहे हैं सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. अगर आप OM2 फर्म के लिए B सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आप चूज़ करना चाहते हैं ओपन गिरवी और पैक गिरवी तो वह भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप पैक गिरवी सेलेक्ट करते हैं तो आपको आइटम की इन्फॉर्मेशन एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप ओपन गिरवी सेलेक्ट करते हैं तब आप आइटम नेम एंटर कर सकते हैं, ग्रॉस वेट, नेट वेट और उसकी टंच एंटर कर सकते हैं. अगर आप आइटम का फ़ोटो भी रखना चाहते हैं तो आप या तो कंप्यूटर की मदद से आप उसका फ़ोटो सेव कर सकते हैं या फिर आप वेब कैम से डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं. आपने अगर पेमेंट चेक के थ्रू किया है तो आप बैंक अकाउंट और चेक नंबर भी एंटर कर सकते हैं. अगर आपने कैश से पेमेंट किया है तो आप कैश की कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वह भी ऐड कर सकते हैं. आप अगर आइटम से संबंधित कोई अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं. जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका गिरवी ऐड हो जाता है और आपको एक्टिव गिरवी और लोन डिटेल्स डिस्प्ले होता है. प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज़, गिरवी स्टार्ट डेट 3rd Jan 2012. आप चेक कर सकते हैं सीरियल नंबर V1, पैकेट नंबर 1, गिरवी नंबर 1, फर्म गिरवी नंबर 1. आपके पास ऑप्शन होता है फुल मंथ, हाफ मंथ, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, यू कैन सेलेक्ट आल्सो. नाउ यू कैन चेक द फॉर्म 8 आल्सो. फॉर्म 8 पर आप बारकोड भी चेक कर सकते हैं. फॉर्म 7, अगर आप सीरियल नंबर से किसी भी गिरवी को सर्च करना चाहते हैं तो आप हेडर पे दिए गए बॉक्स पर वह सीरियल नंबर एंटर करके उस पर्टिकुलर गिरवी अकाउंट को सर्च कर सकते हैं. कस्टमर लिस्ट पर क्लिक करके आप सारे कस्टमर्स की लिस्ट देख सकते हैं. जब भी आप किसी कस्टमर के नाम पर क्लिक करते हैं तो आप उस कस्टमर के होम पैनल पर पहुंच जाते हैं. अगर आप उस कस्टमर की कोई और गिरवी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू गिरवी ऑप्शन पर क्लिक करके उस कस्टमर की और अधिक गिरवी ऐड कर सकते हैं. आप किसी भी कस्टमर की गिरवी किसी भी
फर्म में ऐड कर सकते हैं। आइटम नेम, ग्रॉस वेट, नेट वेट, टंच। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कस्टमर की गिरवी ऐड हो जाती है। आप गिरवी पैनल पर जाकर ऑल एक्टिव गिरवी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे ही आप गिरवी पैनल पर क्लिक करते हैं, आपको ऑल एक्टिव गिरवी लिस्ट डिस्प्ले होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फर्म की ऑल एक्टिव गिरवी देखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की मदद से उस पर्टिकुलर फर्म की ऑल गिरवीज लिस्ट देख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हम किसी कस्टमर की गिरवी और लोन अकाउंट किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।